शरद का सवाल लेते हैं, इनकी इन्होंने किया व्हाट्सएप। इनके पास है येस बैंक के 55,000 शेयर और भाव है 30 रुपये का। आस्था 30 रुपये का भाव, मतलब बहुत ही दूर लग रहा है ये तो देख के। लेकिन हाल फिलहाल हमने देखा था येस बैंक में कि अप्रत्याशित तेजी आई थी, 12 रुपये से शेयर 18 रुपये के आसपास तक गया था, लेकिन एक फिर से कंसोलिडेशन वाले फेज में आ गया है। आप क्या व्यू होगा आपका कि येस बैंक कोई सेंस बनता है इसमें बने रहने का, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैरेंटेज है SBI की, वहां पर अच्छे नंबर्स भी आए हैं और शेयर चल भी रहा है, वहां पर स्विच कर जाएं? नीलेश, आप जवाब देंगे इस सवाल का? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यस बैंक की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक बेहतर विकल्प आपने ऑलरेडी सुझाया है, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ। काफी समय से देखें तो इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाया, हालांकि निचले स्तर से हमें पुल बैक जरूर देखने को मिला है। तो प्योरली अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 15 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस रखना होगा, लगभग 15 रुपए के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट भी आ रहा है, तो 15 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। ऊपरी स्तर पर 18 रुपीज के आसपास का इसका नेक्स्ट मेजर हर्डल है, अगर वो लेवल पार होता है तब यहाँ से थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा 19 से 20 तक का। बट अगर पोजिशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अभी भी बेहतर विकल्प SBI ही के हो, मैं कहूंगा वही वही पे हमें नजर आता है कंफर्ट के हिसाब से एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से। तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PSU बैंकिंग स्पेस से ये प्रीफर्ड बैंक होगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर हम देखें तो फेडरल बैंक और उसके साथ साथ KTK बैंक, अगर वहां पे गिरावट होती है तो उसे भी खरीद के चला जा सकता है, और लास्ट के स्पेस में ICICI बैंक हमारा प्रीफर्ड बैंक है। तो ये तो येस बैंक में एक व्यू है। ये कई बार अभिषेक ऐसे व्यूअर्स फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि प्राइस छोटा है, डेफिनेटली स्टॉक के फंडामेंटल चेक करे या ना करे, किस वजह से प्राइस इतना हो गया उसको नहीं देखते, वो प्राइस अट्रैक्टिव होने लग जाता है, चीप लगने लग जाता है और उसके प्रियंका बाद वो सोच फंस ये जाते होती हैं। है कि शेयर है 15 रुपए का, 20 रुपए हाँ का, ठीक है ले लेते हैं, 2 रुपए बढ़ गए, भारी क्वांटिटी ले लिया, दो हाँ दिन 4 दिन में शायद करेक्ट 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बन जाए, लेकिन ये सोच काम करती नहीं है। जब तक कि साउंड फंडामेंटल ना हो, आपके पास कोई पुख्ता रिसर्च ना हो, कोई बैकिंग ना हो, अगर आपने ले भी लिया तो आपको स्टॉप लॉस जरूर फॉलो। कुमार का सवाल है फेसबुक के जरिए, इनके पास है ओमेक्स के 32 शेयर 310 रुपये के भाव पर। काफ़ी पुरानी खरीद होगी क्योंकि हमने बहुत शार्प इसमें गिरावट देखी है ओमेक्स के शेयर में, लेकिन पिछले साल भर में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। नीलेश, आपसे ही व्यू चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि उतार चढ़ाव के बीच जब भी शेयर 100 से 110 की रेंज में जाता है, सप्लाई आ जाती है और शेयर फिर से नीचे आ जाता है। अब तो 85-86 रुपये के आसपास का भाव है। आपको कोई भरोसा कोई इस स्टॉक पर कि ये, क्योंकि इनके भाव तो बहुत दूर हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इनको? अभिषेक जी, ओमेक्स इंडस्ट्रीज आई गेस इसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि लगभग 56 के 86 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, राइट? थोड़ा जी सा लिक्विड काउंटर है, अमूमन यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी काफी कम होती है, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है हो सकता है यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिले। बट मेरी ओर से ये सलाह होगी कि पुल बैक पे इसे एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। जिस हिसाब से एक स्ट्रक्चरल डैमेज हमें देखने को मिला था कुछ समय पहले, लगभग 220 से 60 तक पहुंच चुका था काउंटर, अब 60 के लेवल से एक ग्रेजुअल अपमूव, एक ग्रेजुअल रिवाइवल हमें इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूंगा अगर 100-110 की रेंज में जाता है तब डेफिनेटली स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए टाइमिंग, और कोई बेटर विकल्प पे शिफ्ट हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, ऑल राइट। हमारे साथ अब एक कॉलर है, संदीप है।